Welcome back to Art with Maha Muzamil. Sorry, आपके lessons थोड़ा सा late हो गए हैं कुछ हमारे Facebook की strike और internet के issues की वजह से, but आज या कल आपका नया lesson आपको मिल जाएगा. और आज जो मेरा topic है वो है मेहंदी art, cause wedding seasons भी है और साथ में आगे काफ़ी लड़कियों ने मुझे बताया कि हमें मेहंदी सीखने में interest है. तो आज मैं आपको मेहंदी से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी. अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको अभी मेहंदी लगाना नहीं आती है, तो जो उसका बेस्ट तरीका है वो क्या है. सो आज मेरी वीडियो में आप फर्स्ट क्लास लेंगे मेहंदी से रिलेटेड. यहाँ पे मैंने एक पेज पर कुछ पार्टीशन कर ली है, कुछ पार्ट्स बनाए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी फोर फिंगर्स हैं और ये हमारा ये हाथ वाला हिस्सा, उसके बाद ये बाजू, और इसको भी आप एज आर्म साइज यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट बॉक्सेस में मैंने इसको डिवाइड किया है. और आप भी इसी तरह से स्टार्ट कीजिए. पहले आपके हाथ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में. आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी ड्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके हाथ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. सो अभी मैं आपको जो स्टार्ट करूंगी वो फिंगर डिज़ाइन से होगा. मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें. अब वैसे तो लोग कहते हैं कि अगर आप शीशे पे ट्राई करें, बट मेरा कहना ये है कि आप पहले किसी पेंसिल से या किसी भी चीज़ से पहले अपनी हैंड मूवमेंट्स को ठीक करें. सो हमारे पास जो फर्स्ट डिज़ाइन है जब आप ये फिंगर पे बनाएंगे तो तब तो ये थोड़ा सा राउंड में आएगा, बट आपको लगाना स्ट्रेट ही है. एक कॉर्नर से आप इसको छोटा सा सर्कल लें. इट्स अप टू यू कि आप इसकी कलरिंग साथ साथ करना चाहते हैं, इसकी शेडिंग साथ साथ करना चाहते हैं, या अलग अलग करना चाहते हैं. बट जो बेहतर तरीका है वो यही है कि अगर आप इसको साथ साथ फिल कर लें तो वो बेटर है. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप इसको पहले प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद ये स्टार्ट करना शुरू करें. डिज़ाइंस को देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको कॉपी करें. हर चीज़ के लिए आपको पहले ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड मूवमेंट्स अच्छी होनी चाहिए. फिर वो फाइन आर्ट है या मेहंदी आर्ट है, वो कुछ भी है, तो आपकी हैंड मूवमेंट्स अच्छी होनी चाहिए. The end of the flower. आप यूं भी कर सकते हैं. आप इसकी प्रैक्टिस पहले किसी अच्छे पेज पर करें और पेंसिल से करें या मार्कर कलर से करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा. बिकॉज अगर आप डायरेक्ट मेहंदी पर जाएंगे, अभी आप उसको मेहंदी को पकड़ने का तरीका नहीं आता है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर भी आपकी लाइंस, आपकी जो है हैंड मूवमेंट्स परफेक्ट हो तो सब कुछ इजी है. ये जो इसका सेंटर डिफरेंस है बहुत सारे लोगों से बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, तो उसका बेसिक और मेन जो है वो जब आप कॉन के साथ काम कर रहे होंगे तो कॉन जो है मेहंदी की वो इस तरह से उसकी आगे से निब होती है, तो आप अपनी निब से एक इस तरह डिसाइड कर लें कि इतना हमने इसमें डिफरेंस देना है और बिल्कुल उसके नेक्स्ट आप यहाँ पर एक राउंड लगा सकते हैं, तो वो आपके जो राउंड्स हैं, सर्कल्स हैं, वो बिल्कुल इक्वल आएंगे. ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया. उसके बाद यहाँ पर है ये नेल आ जाता है और ठीक है. उसके बाद हम सेकंड डिज़ाइन की तरफ जाते हैं. ये आपने छोटा सा सर्कल बनाया, बिल्कुल फ्री हैंड करें, डर के नहीं करें, इजी होके बनाएं तो आपसे हर चीज़ इजीली बनेगी. बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. के बाद
आप इसकी बाउंड्री लाइन ले लें, स्टार्ट में ही अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक डिज़ाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बेहतर यही है कि अभी स्टार्ट में आप थोड़े बड़े डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज़ बड़े डिज़ाइन बनाना उतना मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो बारीक डिज़ाइन होता है। अब यहाँ से कुछ होते हैं वो अंदर से पहले राउंड लेते हैं और बाहर आते हैं, तो वो भी ठीक है, बट अभी स्टार्ट में आपको जो बेहतर और इजी तरीका है वो यही है कि आप उसको बाहर से स्टार्ट करें। कहीं कहीं पे जब आप फिंगर्स, ऐसी बात है वो राउंड शेप में है, तो कहीं कहीं पे चीज़ें कुछ हैं जो जगह आपको थोड़ी है, तो वहाँ पर आप छोटे सर्कल्स भी बना सकते हैं। इट्स डजेंट मैटर कि आपने बड़े डिज़ाइंस ही बनाने हैं, सो आप बड़ी डिज़ाइंस भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा एक दूसरा डिज़ाइन हो गया, इसकी डिटेलिंग। ये अभी मैं आपको फिंगर्स की डिज़ाइन बता रही हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट से, गूगल से कोई डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ही बने। अगर वो सेम नहीं भी बन रहा है, इट्स ओके, बस वो अच्छा लगना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए। सो कॉपी भी करें मगर आप अपने डिज़ाइंस भी ऐड कर सकते हैं। सो बेहतर यही है कि आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो वो इतना भी उस पर वो ना हो जाए कि अगर ये वैसा नहीं बन रहा है तो आप डिसअपॉइंट हो जाएं। और अब एक और नेक्स्ट जो है डिज़ाइन, सॉरी मेरा ये पेन जो है वो बहुत ज़्यादा ही मोटा है, मैं आपको थोड़ा सा जैसे कि जो मेहंदी की निब होती है वो बहुत बारीक होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा बड़ा है उससे, फिर उससे थोड़ा बड़ा। उसके बाद आप एक साइड पे जो है वो लाइंस वाला आर्ट भी कर सकते हैं और दूसरी साइड पे राउंड शेप आर्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ तक तो उसका नेल आ जाता है। आप पहले इसको पेपर पे ही ट्राई करें, उसके बाद आप जो है वो मिरर पे ट्राई करें या किसी के हाथ पे ट्राई करें। सबसे पहले जो है वो आप पेपर पे ही ट्राई करें। अब आप इसकी जो हार्ड शेप है उसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर दें, थोड़ा डार्क कर दें। जब आप ये मेहंदी से करेंगे तो वो आपको इसके ऊपर बस डबल मेहंदी की लेयर बनानी होगी और ये इजीली डार्क हो जाएगा। अब सेकंड तरफ आप ये भी कर सकते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स भी बना सकते हैं। सो अब आपको ऑलमोस्ट समझ तो आ गया होगा कि क्या डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद जब आप आ जाते हैं इस साइड पे, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती अब हम यहाँ पे कैसे करें, क्योंकि बिल्कुल कभी इस साइड से है, अंदर से आपको मसला हो रहा होता है इसकी लाइंस की वजह से और ये वो, तो बेहतर है कि आप उस जिसको भी मेहंदी लगा रहे हैं, ख़ुद को मेहंदी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको कहें कि बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे और बिल्कुल सीधा रहेगा तो फिर इससे आपको मेहंदी के डिज़ाइंस बनाने में इजी होगा। सो अब हमारे पास ये हैंड साइड पर आ जाते हैं हम, तो
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक साइड से हमें डिज़ाइन चाहिए, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और लेट्स सपोज ये आपने डी शेप बना दी, ठीक है, उसके बाद इसके इनसाइड आप जैसे एक होती है ना स्केचिंग करने के बाद जो उसमें शेडिंग कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये स्केचबुक के कॉर्नर की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप साथ साथ उसमें फिलिंग कर लें तो वो बेहतर है। उसके बाद इस डी के साइड पे एक और लाइन ले लें, ये देखने में बारीक डिज़ाइन लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा किसी भी पेपर पे ट्राई कर लेंगे और जब आप किसी डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यह तो बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा। आप लाइन को ब्रेक करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्ट्रेट ही लगानी है। जैसे अब यहाँ से थोड़ा सा एरिया पहले आपने कवर किया, फिर उसके बाद बाकी का एरिया कवर किया, फिर इस तरह से ब्रेक कर करके भी पीसीज में भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, इसकी डबल लेयर कर लें। सो ये हमारा जो है वो हाथ के बिल्कुल इस साइड पर साइड व्यू आ गया। इस साइड से आप इसको एक सर्कल बना सकते हैं अंदर भी। अगर आपको बहुत भरी भरी मेहंदी अच्छी लगती है तो आप ये चीज़ें ट्राई करें। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल छोटी सी एक अच्छी सी बेल अच्छी लगती है, सिंपल सी, ज़्यादा भरा हुआ काम नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत भरा हुआ डिज़ाइन चाहिए होता है। तो अब आपने फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा जिनको आइडिया है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, वो अगर यहाँ से स्टार्ट करते करते भी जाएं तो वो इक्वल बना सकते हैं। बट अभी आपका स्टार्ट है तो आप इसको एंड से ही स्टार्ट करें। एक सर्कल बनाएं, इसके ऊपर लाइन बनाएं और एक फ्लावर बना दें। सेम एज हेयर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे दें, जैसे अब ये आपकी फिंगर का डिफरेंस है, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से डिफरेंस भी दे सकते हैं, मेहंदी की कॉर्न से भी उसको डिफरेंस दे सकते हैं। किसी भी तरह का फ्लावर आप बना सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वैसा ही फ्लावर जो है वो कॉपी करना है। ये मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स के साथ बना के दे रही हूँ। इसमें से जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सर्कल वाला भी जो पहले आप बाहर सर्कल बना लें फिर उसके बाद जो लाइंस लगाएं वो भी बहुत इजी है। ठीक है, ये आपको मैंने अभी फ्लावर्स की डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट शेप्स बताई हैं, सो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे साइज हो गया है। उसके बाद ये लीव स्टाइल भी बहुत कॉमन है।
ठीक है, उसके बाद आप इसमें से कोई मतलब जैसे अगर आप बेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक और उसका डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी इस फिंगर तक जाएगा। अभी मैं आपको एक बेसिक सा स्केच सा बता रही हूँ, सो इसलिए कुछ डिज़ाइन्स जो हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स की जो है वो टेक्निक्स बता रही हूँ। पहले आप बाहर वाला ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद इनसाइड ड्रॉ करें, बिकॉज़ अगर आप इनसाइड ड्रॉ कर लेंगे फिर आपकी आपसे जब आप इसकी आउटलाइन करेंगे तो आपका हाथ इसके ऊपर लग सकता है और ये ख़राब भी हो सकती है। सो इसलिए बेहतर यही है कि पहले आप इस तरह बाहर से डिज़ाइन कर लें एंड देन अंदर से डिज़ाइन करें। हर चीज़ में डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो रिपीट होता रहता है। सो अब इस पे आप का डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे, फीलिंग में अच्छा लगे, वो आप फॉलो करें। आप इसमें इस तरह के राउंड्स भी बना सकते हैं और इस तरह यहाँ पे एक और फ्लावर भी बना सकते हैं जस्ट फीलिंग के लिए कि वो भरी भरी मेहंदी नज़र आए। उसके बाद इसकी शेडिंग आ जाती है, इसकी फीलिंग आ जाती है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, सो आप इस पे भी छोटे छोटे लीव्स बना सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं। और आप इसको भी फिल करें, इसके टॉप को फिल करना है तो आप इसके टॉप को फिल करें। और अगर आपको इन अंदर से इसको डॉट या लाइंस लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सो ये हमारा ये एरिया जो है वो कवर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी बाजू की तरफ। बाजू पे एक बेल भी अच्छी लगती है, और अगर आप उस पर कोई ट्रायंगल या कुछ इस तरह का डिज़ाइन भी बनाना चाहें तो वो भी अच्छा लगता है। अभी जो स्टार्ट में इजी होगा मैं आपको उसी से रिलेटेड बताऊंगी, ताकि अभी आपको स्टार्ट करना है तो आपको मसला ना हो। लेट्स सपोज ये आपका हाथ है यहाँ से और ये आपकी बाजू स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ से ये वाला स्टाइल भी बना सकते हैं जो मोस्टली इस एरिया से आएगा, यूं और यूं। अब आप इसको कॉपी करें अगेन। हम इसके आउटसाइड पे इस तरह के लीव्स भी बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल बने, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाए देन आप बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ अभी स्टार्ट में इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और उसे बार बार कोशिश करेंगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उसके बाद इसके साथ साथ आप डॉट्स लगा सकते हैं। अगेन लाइन, हर
हर चीज़ को पहले एक आप उसका जो है बेसिक, जैसे अब इस साइड पर आपने ये वाली लीव्स बनानी है तो आप उसका लाइट सा जो है वो लाइन भी ले सकते हैं, लाइन बनाकर उसको बनाएंगे तो वो क्लियर और अच्छा और नीट बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए, सो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, सो हर चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। मेरी फाइन आर्ट्स की क्लासेस भी आपने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो आप मेरी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने आपको प्रैक्टिस करने के काफ़ी जो है तरीके बताए हैं। अब ये मैंने जैसे आपको बताया था कि आप उसको ब्रेक करके भी लाइन को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम लाइन ही लगानी है। अभी ये हमें थोड़ी डार्क लाइन चाहिए मेहंदी के साथ, थोड़ा इजी हो जाता है इसको लेयर को बनाने में। बाद आप एक और डिज़ाइन बना लें यहाँ पे, एक ही डिज़ाइन ऑलमोस्ट बार बार रिपीट होता है, तो अगर आप जो उसके बेसिक डिज़ाइन्स हैं उसको फॉलो कर लें, उसको कॉपी कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि मेहंदी लगाने में आपको ज़्यादा कोई मुश्किल होगी। अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वही सर्कल वाला भी बना सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट फ्लावर्स वाला भी बना सकते हैं, और इसके अलावा इसको सेक्शन में डिवाइड करके लीव्स जो हैं वो छोटी जो लीव्स मैंने आपको बताई थी वो बनाने के बाद इसमें डॉट्स लगा सकते हैं, सो इसकी फिलिंग आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। सो ये हमारी जो थी वो स्टार्टिंग और बेसिक ट्रिक्स थी, सो इसको आप ट्राई करें। फर्स्ट आप पेपर पे ट्राई करें, उसके बाद आप किसी मिरर को ले लें या किसी ग्लास को ले लें उसके ऊपर ट्राई करें और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा परफेक्ट करें, और देन किसी के हाथ पे आप मेहंदी से भी ट्राई करें ताकि आपको वो एक्सपीरियंस भी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हमारी जो स्केचिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं वो जल्द ही आपको अपडेट कर दी जाएंगी, और आप इसकी जो आपको फीडबैक देनी है इस वीडियो के बारे में, कुछ भी पूछना है कौन सी मेहंदी अच्छी है कौन सी नहीं है वो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।